हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज 15th of January 2021 और आज की डेट पे आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी का क्वार्टर थ्री का नतीजा रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों, नतीजा नो डाउट बहुत ही जबरदस्त नतीजा यहाँ पे प्रेजेंट किया कंपनी ने, और उसके साथ साथ ₹4 का यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम एचसीएल टेक का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बारीकी से देख लेते हैं, जान लेते हैं, चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, एचसीएल टेक में आपके आगे का क्या रणनीति होगा, क्या आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, क्या आपके पास शेयर है तो होल्ड करें या सेल। तो दोस्तों, सब कुछ बारीकी से डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एचसीएल टेक का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। एक्चुअली ये रिजल्ट आज प्री मार्केट ही रिलीज़ किया था कंपनी ने। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम डिविडेंड के ऊपर जान लेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट पे चलेंगे। कंपनी ने यहाँ पे ₹4 का डिविडेंड दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड ₹4, ₹4 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका जो एचसीएल टेक का जो फेस वैल्यू है शेयर, ₹2 फेस वैल्यू के ऊपर ₹4 का डिविडेंड दिया है, यानी हिसाब अनुसार 200% का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया। तो दोस्तों, आपको अगर एचसीएल टेक का डिविडेंड चाहिए तो उसके लिए जो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे फिक्स्ड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट ऑफ January 23rd, यानी 23rd January को ये डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। तो उसके हिसाब से जो एक्स डेट हुआ वो होगा 22nd of January, ठीक है। तो आपको अगर एचसीएल टेक का डिविडेंड चाहिए तो डेट ध्यान देना दोस्तों, 21st January या तो उसके पहले आपको ख़रीदारी कर लेना चाहिए अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो। चलिए दोस्तों, अब हम रिजल्ट पे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे एचसीएल टेक का क्वार्टर थ्री का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सारे इन करोड़्स पे है, और ये है दिसंबर क्वार्टर या 2020 यानी करेंट क्वार्टर का रिजल्ट, ये लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर 2020 का रिजल्ट, और ये है लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2019 का रिजल्ट। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा पेज को जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको देखने में मदद मिलेगा। सबसे पहले आता है दोस्तों टोटल इनकम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर्स इनकम को ऐड करके। तो कंपनी का इस क्वार्टर यानी दिसंबर 2020 में टोटल इनकम हुआ है 19,491 करोड़ रुपये का, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर 2020 में हुआ था 18,793 करोड़ रुपये। यानी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ज़बरदस्त जंप हुआ है टोटल इनकम पे। और लास्ट ईयर 2019 दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों, कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 18,292 करोड़ रुपये का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर पे भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। अब हम देख लेंगे कंपनी का खर्चा कितना हुआ, यानी टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का इस साल हुआ है दिसंबर 2020 की क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस आया है 15,012 करोड़ रुपये का, जो कि लास्ट क्वार्टर सितंबर 2020 में हुआ था 14,648 करोड़ रुपये का। यानी यहाँ पे आप देखिए टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ टोटल एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़ चुका है, जो कि लास्ट ईयर में था 2019 दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस था 14,606 करोड़ रुपये का। यानी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे भी थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे देखिए कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया दिस क्वार्टर, यानी दिसंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है 3,977 करोड़ रुपये का, जो कि पिछला क्वार्टर यानी लास्ट क्वार्टर सितंबर 2020 में हुआ था 3,140 करोड़ रुपये का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 25% के आसपास यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जंप देखने को मिला। और ईयर ऑन ईयर यानी लास्ट ईयर 2019 दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 2,944 करोड़ रुपये का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और भी ज़बरदस्त यहाँ पे जंप देखने को मिला। अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 35% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर पे नेट प्रॉफिट में। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीलेंट रिजल्ट प्रेजेंट किया दोस्तों कंपनी ने। उसके बाद दोस्तों हम ईपीएस देख लेंगे, यानी कंपनी का अर्निंग पर शेयर स्टॉक का।
सबसे पहले ये बेसिक अर्निंग पर शेयर, ये है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर यानी दिसंबर 2020 में कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर है 14.63 का और डाइल्यूटेड भी सेम जो कि लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर 2020 में था 11.58 का बेसिक एंड 11.58 का डाइल्यूटेड सेम। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ने के साथ साथ एंड नेट प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस भी बढ़ चुका है। लास्ट ईयर 2019 दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था बेसिक 10.85 का एंड डाइल्यूटेड ईपीएस था 10.85 का। तो यहाँ पे आप देखिए ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों सेगमेंट पे ही यहाँ पे जंप देखने को मिला, ईपीएस में भी, टोटल इनकम में भी, नेट प्रॉफिट में भी। यानी बहुत ही शानदार कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट प्रेजेंट किया। उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे कंपनी का कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ताकि ये जैसे कि आपको पता है ये एक आईटी सेक्टर का कंपनी है तो इसका मेन जो कोर बिजनेस है आईटी से ही आएगा। यहाँ पे देखिए आईटी एंड बिजनेस सर्विस से इसका मेन यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है 13,596 करोड़ रुपए का। उसके बाद दोस्तों इंजीनियरिंग एंड आरएनडी सर्विस से आया है 2,987 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से आया है 2,719 करोड़ का रेवेन्यू। ये सबको और कुछ अदर्स इनकम को मिला के टोटल यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे देखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है 19,302 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले क्वार्टर एंड लास्ट ईयर से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों हम रिजल्ट भी देख लिया, डिविडेंड भी देख लिया और बहुत ही शानदार यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया अपना क्वार्टर थ्री का और साथ में 4 रुपये का डिविडेंड भी दिया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि आज ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट आउट हुआ था प्री मार्केट यानी बाजार ओपन होने के पहले, तो इसका इफेक्ट हमें आज एचसीएल टेक में दिखाई दिया। भले ही आज पूरा मार्केट गिरावट हुआ था, थोड़ा करेक्शन हुआ था मार्केट और वो होना भी चाहिए था। चलिए आज देख लेते हैं यहाँ पे एचसीएल की शेयर प्राइस में आज लगभग 3.5% के ऊपर गिरावट देखने को मिला। स्टार्टिंग बहुत ही स्ट्रांग ओपन हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1050 के आसपास यहाँ पे आज ओपन हुआ था, बट पूरा टाइम एक फ्लैट मूवमेंट है चला एंड एंडिंग के कुछ घंटों में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट दिखाई दिया। अब बात आते हैं कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेरा राय ये है कि अगर आपको आईटी सेक्टर कंपनी में निवेश करना है तो ये 4 ही कंपनी दोस्तों बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। सबसे पहले TCS, ठीक है, उसके बाद इंफोसिस, विप्रो एंड एचसीएल टेक। ये चारों कंपनी में से आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। ये चारों कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, 1 साल में कितना शानदार रिटर्न दिया देखिए, 66% का एक डिसेंट रिटर्न कंपनी ने दिया। उसके बाद 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, वहाँ पे भी बढ़िया शानदार रिजल्ट मतलब यहाँ पे रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दोस्तों ज़बरदस्त, यानी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए, लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैपिटल है। पीवी रेशियो देखिए, पी रेशियो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, साथ में डिविडेंड डील भी 1% की ऊपर है। तो दोस्तों ऑल ये सब कुछ विचार करके मैं बोल सकता हूँ कंपनी नो डाउट ज़बरदस्त है, बट हाँ आप छोटा छोटा करके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दे सकते हैं। और अगर आपके पास एचसीएल टेक का शेयर पड़ा है तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, वही आपके बेटर डिसीजन होगा। चलिए आज का कारोबार कैसा हुआ वो भी देख लेते हैं। आज शेयर प्राइस ओपन हुआ था, देख सकते हैं काफ़ी हायर रेंज पे 1047 पे, और हाई टच किया देखिए 1052 रुपये पे, लो टच किया 984 रुपये पे, क्योंकि मार्केट गिरा था और साथ में एचसीएल शेयर का यहाँ पे प्राइस भी गिरा था। सेलिंग साइड में थोड़ा बहुत यहाँ पे ए मॉडल लगा हुआ है, लगभग 9,500 क्वांटिटी का शेयर, बट आज का क्वांटिटी दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला और साथ में डिलीवरी का परसेंटेज भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2 करोड़ के करीब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, 2 करोड़ से थोड़ा कम, बट उनमें डिलीवरी का क्वांटिटी देखिए दोस्तों आप हैरान हो जाओगे, 74,40,000 शेयर का क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी हो चुका है। डिलीवरेबल परसेंटेज 37.38%, यानी ज़बरदस्त डिलीवरी हो रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, आईटी सेक्टर का कंपनी है, फ्यूचर में ग्रोथ ज़बरदस्त है, तो लोग यहाँ पे दबा के माल उठा रहा है। और मेरा भी राय ये है कि दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फ्रेश पोजिशन बना सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एचसीएल का शेयर पड़ा है तो आप यहाँ पे होल्ड कीजिए, ना बेचे, होल्ड कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों और ऊपर जाते हुए नजर आएगा, साथ में डिविडेंड भी देता है कंपनी इतना बढ़िया, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको ही फायदा होगा। बाकी डिसीजन आपके दोस्तों, क्योंकि फैसला आपको ही लेना है, पैसा आपके है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक करके एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।